हाल ही में एक आरटीआई से उजागर हुआ है कि मुंबई से अहमदाबाद के रेल रूट पर 40% और अहमदाबाद से मुंबई के रूट पर 44% सीटें खाली होती हैं। यानी भारतीय रेल को इस रूट पर हर तिमाही में 14 करोड़ रुपयों का नुकसान झेलना पड़ता है। अजीब बात है कि मोदी सरकार ने फिर भी इसी रूट को बुलेट ट्रेन चलाने के लिए चुना, जिसकी पटरियों की ही कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट की कीमत पूरे रेलवे सेफ्टी फंड से 5 गुना ज्यादा है, वो भी एक ऐसे रूट पर जिस पर मुनाफा भी नहीं होता। अनुमान है कि बुलेट ट्रेन की एक टिकट की कीमत 3,000 से 3,500 रुपए तक होगी, जबकि इसी रूट पर प्लेन की टिकट 2,000 रुपए होती है। फिर सरकार इस प्रोजेक्ट से मुनाफा कमाने का कैसे सोच रही है? हमारे देश में 94% रेल यात्री लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिर सरकार को कैसे लगता है कि वो 88,000 करोड़ का जापान सरकार से लिया गया ये लोन चुका पाएगी? सरकार ने किसी ऐसे रूट को क्यों नहीं चुना जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे कि बिहार की तरफ का कोई रूट? ये बुलेट ट्रेन आखिरकार है किसके लिए? सेकंड क्लास के डब्बे में यात्रा करने वाले 94% लोगों के लिए या भारत के सिर्फ 5% अमीर लोगों के?